किस्मत के लिए तो दही और नींबू ये है हमारे तो मॉइस्चराइजर देगा हमारे तकलीफ में। तो कोरोना काफ़ी बढ़ गया है और लोगों को परेशानी आ रही है अपने लंग्स अपनी हेल्थ को लेकर। मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे अपनी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे, हम मैक्सिमम ऑक्सीजन अपने अंदर रिटेन कर पाएंगे, हमारे ऑर्गन्स को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलेगी। तो कौन सी वो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं और कैसे करना चाहिए उन्हें, ये मैं आपको बताऊँगा। सैनिटाइजेशन का काम बहुत तेज़ी से करा जा रहा है। जो गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है GDA वो सोसाइटीज़ में जा जा करके घरों को मोहल्लों को बिल्डिंग्स को सैनिटाइज कर रही हैं, सड़कों को सैनिटाइज कर रही हैं। देखते हैं इसका क्या असर होता है, कोरोना कुछ तो कम होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने अंदर ऑक्सीजन का इंटेक कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रॉपरली ब्रीदिंग करने के लिए हम सबसे पहले तो पद्मासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करें, कंफर्ट हो जाएं, आराम से इस पोजीशन में हम बैठेंगे। अपनी पीठ कमर गर्दन को सीधा करें, एक लाइन में आए, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स, चेस्ट को हम थोड़ा सा अपने शोल्डर से बाहर निकालेंगे और हमारी पीठ एकदम सीधी हो जाएगी। अपने हाथों को हम चिन्ह मुद्रा में कर लें। अभी हम डीप इनहेल करेंगे बट स्लोली, जितना धीरे धीरे हो सके उतना धीरे धीरे हम अपने अंदर हवा को भरेंगे। इस वक्त हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पर होना चाहिए। हम धीरे धीरे सांसों को इनहेल करते हुए पूरा अंदर पेट तक, पेट हमारा बाहर की ओर निकलेगा, धीरे धीरे सांसों को भरेंगे अपने चेस्ट तक और फिर अपने अपर चेस्ट और शोल्डर्स तक पूरी हवा को भर लें एंड देन स्लोली स्लोली रिलीज इट आउट। तो जब हम इस तरीके से अपने लंग्स की प्रैक्टिस करते हैं एक्सपैंड करने की और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम हवा को भरते हैं तो हमारे लंग्स मैक्सिमम ऑक्सीजन को हमारे जो हमने एयर अंदर लिया है उसमें तो सारी चीज़ें होती हैं उसमें से ऑक्सीजन को वो ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाता है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे हमारा जो सेकंड सेट ऑफ एक्सरसाइज है उसमें हम अपने राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को अपने मिडिल ऑफ योर आईब्रोज एंड योर रिंग फिंगर ऑन टॉप ऑफ योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल जिसको हम खुला रखेंगे। अभी हम इनहेल करेंगे लंबा गहरा, धीरे धीरे इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, उसको पूरा भरने देंगे अपने अंदर एंड देन स्लोली विल रिलीज इट आउट थ्रू आर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी हवा को बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 8 से 10 बार धीरे धीरे लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे, अपने पेट को लंग्स को शोल्डर्स को पूरा एक्सपैंड करते हुए एंड देन स्लोली रिलीज इट आउट। आपके शोल्डर से लंग्स से और हमारे पेट से पूरी हवा निकल जाएगी, हमारा पेट पीछे की तरफ जाएगा एंड सेम एक्सरसाइज हम अपने राइट हैंड से करेंगे। तो 8 से 10 बार लेफ्ट से, 8 से 10 बार हम अपने राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। इसके बाद आप जब शांत से बैठेंगे तब हम अगेन पूरी कोशिश करें कि आप अपने दोनों नाक से बराबर इनहेल करें और बराबर एक्सहेल करें ताकि आपका पेट लंग्स और शोल्डर्स पूरे अपने गले तक पूरी हवा को भर लेना है धीरे धीरे। Slowly release it out. ना हम झटके के साथ सांस को अंदर भरेंगे और ना ही झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे। सेम चीज को हम थोड़ा सा रिटेंशन के साथ भी कर सकते हैं, इससे हमारे चेस्ट की जो पावर है वो और बढ़ेगी, उनकी कैपेसिटी और बढ़ती है। अगर हमने सांस को अंदर खींचा और अपने आप को रोक लिया सांस को, जब हमने सांस को रोका तब हमारे किसी भी नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर नहीं जाना है। अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपनी सांसों को रोकना है और फिर धीरे धीरे एक्सहेल आउट। इसमें जो टेक्निकलिटी है वो ये है कि आप जितनी देर भी इनहेल करें, सपोज आपने 3 सेकेंड इनहेल किया,
आप 6 सेकंड्स अपने अंदर होल्ड करेंगे एंड अगेन 3 सेकंड्स तक आप सांस को बाहर छोड़ेंगे। आप सांस को छोड़ने के बाद 6 सेकंड्स तक रोकना है अपने आप को विदाउट एनी एयर एंड अगेन इनहेल करेंगे और 3 सेकंड्स, जब 3 सेकंड में पूरा अपने आप को भर लेंगे एंड स्लोली विल होल्ड आवरसेल्फ फॉर 6 सेकंड्स एंड अगेन विल एक्सहेल आउट। इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा, आपके लंग्स को मजबूत करेगा। आपके लंग्स अगर वीक हैं, डैमेज हैं, तो उनको रिपेयर करेगा, उनको और अच्छा बनाए। तो जाने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।